बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पीडा एक्ट। पीडा एक एब्रीवेशन है, पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। पीडा एक्ट के बारे में मैं आपको आसान चार पॉइंट्स की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। पंजाब गवर्नमेंट ने जून 2006 में एक कानून, एक आइन मुतारफ करवाया जो पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमिन पर लागू होता है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीडा एक्ट को एक अथकड़ी समझा जाता है, मगर ऐसा नहीं है। ये अथॉरिटीज़ के लिए होता है जिन्होंने किसी मुलाजम के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है, कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होती है। किसी मुलाजम के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी हो, तो वहाँ कौन सा प्रोसीजर इख्तियार करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, ये तमाम चीज़ें हमें पीडा एक्ट बताता है। मुख्तसर अंदाज में अगर बयान करूँ तो वो यूँ है कि पंजाब के मुलाजमीन का एहसाब, उनका नज्म व ज़ब्त, उनकी कारकर्दगी को पीडा के लिए कंट्रोल किया जाता है। मुलाजमीन की करप्शन, उनकी गलतियों पर उनको सजाएं दी जाती हैं। इसी एक्ट को हम आसान चार पॉइंट्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है अप्लाई, उसके बाद मेथड्स एंड कंडीशंस ऑफ पनिशमेंट, इसके बाद तीसरा है पनिशमेंट ऑफ पीडा, और लास्ट पॉइंट है पनिशमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय। यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अप्लाई, यानी कि ये कौन से मुलाजमीन पर अप्लाई होता है, इसका इतला कौन से मुलाजमीन पर होता है। पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सुबह पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उन पर पीडा एक्ट अप्लाई होता है। उसके बाद कॉर्पोरेशन सर्विस एम्प्लॉय, ये कौन से एम्प्लॉय होते हैं, जो किसी रजिस्टर्ड कंपनी का हिस्सा हो, रजिस्टर्ड कंपनी के मुलाजम हो, उन पर भी पीडा एक्ट अप्लाई होता है। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो लोग जो सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं, उन पर भी पीडा एक्ट अप्लाई होता है। इसके बाद नंबर टू है मेथड्स एंड कंडीशंस ऑफ पनिशमेंट, यानी कि पीडा एक्ट का तरीका क्या है, किस सूरतों में, कौन कौन सी सूरतें हैं जिसमें मुलाजमीन को सजा दी जाती है। जब कोई मुलाजम अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से सरंजाम ना दे रहा हो, या फिर अपने लिए कोई ऐसे हालात पैदा करे जिसकी वजह से वो ड्यूटी ऐसे तरीके से सरंजाम ना दे पाता हो, या कोई मुलाजम किसी करप्शन में मुलव्वस हो, किसी ड्यूटी ना करने के इल्ज़ाम में शामिल हो, या अपने दफ्तर या फिर अपने इदारे की मालूमात को लीक करने का इल्ज़ाम हो, ऐसी सूरतों में, ऐसी कंडीशनों में उसको सजा दी जाती है। इसके बाद नंबर तीन है पनिशमेंट ऑफ पीडा। पीडा में दी गई सजाएं, पीडा की गिरफ्त में जब कोई मुलाजम आ जाता है तो उसको दो तरह की सजाएं दी जा सकती हैं। मुतलका अथॉरिटी इन दो में से किसी एक का इंतखाब कर सकती है। वो कौन सी सजाएं हैं, एक का नाम है माइनर पेनल्टी, जिसको छोटी सजा कहा जाता है, और इसी तरह जो बड़ी सजा है उसको कहा जाता है मेजर पेनल्टी। पहले है माइनर, यानी छोटी सजा। छोटी सजा में क्या हो सकता है कि उसको सर्विस से रोका जा सकता है, उसकी इंक्रीमेंट को रोका जा सकता है, एक इंक्रीमेंट यानी एक इजाफे को रोका जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसको 5 साल तक की इंक्रीमेंट को रोका जा सकता है, या फिर उसकी बेसिक सैलरी के बराबर उससे ज्यादा ना हो, इतना उसको फाइन किया जा सकता है। पिछले स्केल पर भेज देना, बेसिक सैलरी के स्टेजों पर तनजली, ज्यादा से ज्यादा 5 स्टेजों पर तनजली हो सकती है, उसका प्रमोशन रोक देना, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक के लिए उसका प्रमोशन रोक देना। ये आ गई माइनर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी में क्या होता है, किसी मुलाजम ने इदारे या फिर उस इदारे की शाखा जितना नुकसान किया होगा, उसकी पेंशन काट कर, उसकी सैलरी काट कर, वो नुकसान पूरा किया जाएगा। अगर फिर भी वो नुकसान कम पड़ जाए तो फिर उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। या मौजूदा पोस्ट या फिर इससे निचली पोस्ट पर, कम स्केल पर भेज देना। इसके बाद नंबर तीन है पिछली सर्विस को ख़त्म कर देना या कम कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक, और इसके बाद जबरी रिटायरमेंट भी है, और रिमूवल फ्राम सर्विस यानी सर्विस से निकाल देना। याद रहे कि इस सूरत में पेंशन भी नहीं मिलती, या डिसमिस फ्राम सर्विस, इन दोनों सूरतों में पेंशन भी नहीं मिलती। इसके बाद नंबर फोर है पनिशमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय, रिटायर्ड मुलाजमीन की सजाएं, यानी कि जो मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके हैं, 1 साल के अंदर अंदर पीडा एक्ट उन पर अप्लाई हो सकता है। जिन मुलाजमीन को रिटायर्ड हुए, 1 साल का अरसा गुजर गया हो, 1 साल के अंदर पीडा उन मुलाजमीन को, उन लोगों को सजा दे सकता है। इसमें तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, मुकम्मल पेंशन या पेंशन के किसी एक हिस्से को रोक लेना। नंबर दो, मुकम्मल पेंशन
या पेंशन के किसी हिस्से को मुकम्मल खत्म कर देना। नंबर 3 है अपने इदारे या पर दफ्तर को दिए गए नुकसान का इजाला उसकी पेंशन में से काट दिया जाता है। अगर पेंशन में उसका इजाला ना हो तो उसकी पेंशन को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है, या फिर उसको अगर वो नुकसान फिर भी पूरा नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बाद उससे वो नुकसान पूरा किया जा सकता है। ये मुख्तसर सा टॉपिक था पीडा एक्ट जो जून 2006 में मुतारफ हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।